हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव हार्ट ऑफ लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, सीधा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव के एनर्जीज होते हैं, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो ये आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स है आपके लिए। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पे द माइसर। इस वक्त आपके क्रश आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। इनका दिल बहुत कर रहा है आपको बताने का कि आपके लिए कितना रोते हैं, तरसते हैं, परेशान हैं, और जो कि मजबूर है आपसे सब कुछ छुपाने के लिए। अभी इस वक्त जो कि कुछ भी बताया आप शायद उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है। गाइडेंस है यहाँ पे, किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे आपके बारे में और गाइडेंस ले रहे हैं। इनको शायद इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि इनकी लाइफ में इस वक्त जो भी चल रहा है, शायद वो सिचुएशन ऐसी है, वो एनवायरमेंट ऐसा है कि इस वक्त आपके पास आने के लिए अगर इनको कोई हेल्प कर सकता है तो उससे हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटर का कार्ड है कि ये किसी से पूछ रहे कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है, मैं चाहता हूँ इससे रिश्ता स्टार्ट करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बात करूँ। क्या तू प्लीज़ मेरी हेल्प करेगा? क्या प्लीज़ तू, अगर ये आपका कोई दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उनसे बता रहे हैं कि आपसे जाके बात करें कुछ। इनका जो कॉल है, मैसेज है, ये जो भी आपको बताना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाएँ क्योंकि इस रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में जो भी रुकी हुई सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आपके साथ एडवेंचरियस कुछ करना चाहते हैं, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, ये सब कुछ करना चाहते हैं। पहले जैसी लाइफ, अगर आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा पास्ट है इनके साथ, तो पहले जैसे पास्ट को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे। और शायद फीलिंग इसी वजह से हाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ आपका दिल बहुत दुखाया होगा, आपको बुरा लगा होगा उस बात का, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मैं कुछ खुद होकर आगे नहीं जाऊँगा, मैं किसी से हेल्प लेकर ही सब कुछ करूँगा। इस तरह के एनर्जीज है यहाँ पे, या अकेले है आपके बिना बहुत ज़्यादा। भगवान से यही पूछ रहे हैं कि क्या भगवान मेरी ज़िंदगी में यही होना था जो कि मैं अपने घर वालों के बारे में सोचता हूँ, अपने माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, तो क्या इसकी यही सज़ा मुझे मिलनी थी कि मुझे मेरे प्यार से दूर रहना पड़ रहा है, मुझे जीते जी अकेला कर दिया गया है, और जो कि मतलब मैं क्या करूँ ज़िंदगी जीने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं बचा है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं इतना इमोशनल हूँ, जिसके लिए मैं आज कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। यह आज आपके लिए आग बंद करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इनको बोलोगे आग बंद करके पहाड़ से कूद जाओ तो पहाड़ से भी कूद जाएंगे क्योंकि करंट में यही करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, जिनसे गाइडेंस ले रहे वो लोग इनको रोक रहे हैं क्योंकि वो भी इनको बता रहे हैं कि नहीं तो अभी मत जा, अभी बात मत कर, तुझे थोड़ा सोचना चाहिए। तू मतलब इस तरह से सोच के अगर तू उसके पास जाता है तो तेरे जबान से उसको क्या सुनना है, क्या तू वो करने के लिए रेडी है? अगर नहीं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो नहीं मानेगी तेरी बात, तो इस वजह से अपने आप को रोक लेते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है और फिर जैसे कि सोचते हैं कि भाई बाद में बात करूँगा, थोड़े टाइम के बाद बात करूँगा, 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, अगले हफ्ते, अगले महीने, इस तरह से अपने टाइम को आगे बढ़ाते जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है जो कि यही शो करता है। करंट में जहाँ पर भी है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और उस एनर्जीज में खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और जो कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो आएगी इस बात के ऊपर इनको भरोसा है, लेकिन स्लोइंग डाउन का कार्ड भी यही शो करता है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही शो करता है। ये एक्शन लेना चाहते लेकिन डिले, ये ना बाद में, थोड़ी देर के बाद, अगले महीने, 2 महीनों के बाद, इस तरह से अपने एक्शंस को पोस्टपोन करते जाते हैं और आपके लिए इस वक्त जो कि फीलिंग हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताना ही नहीं चाहते आपको कुछ भी, ठीक है, बताना ही नहीं चाहते कुछ भी इस वक्त आपको। तो हम देखते हैं इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं इनके लिए, ट्रू मैसेज देने से इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके लिए, इनके क्रश के लिए इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं। आपके क्रश कैंसर्स को आपके पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं, और आप जो कि इनको लेके कभी पॉजिटिव सोच रहे हो कभी नेगेटिव सोच रहे हो। एक दिल करता है कि आएगा आएगा, दूसरे पल ऐसा लगता है कि शायद कभी नहीं आएगा। एक दिल जो कि इनके प्यार को याद करता है और दूसरे पल जैसे कि इन्होंने जो गलत बोला है वो बातें आपके माइंड में घूमने लगती हैं। एक दिल करता है कि अभी के अभी इसको छोड़ के भाग जाओ, और दूसरे पल लगता है कि नहीं यार, यही मेरे लिए अच्छा पर्सन है, यही मेरे लिए बेटर है,
शायद मैं इसके बिना कभी हैप्पी नहीं रह पाऊँ। मतलब कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के साथ जो कि झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो, लड़ रहे हो अपने माइंड में, पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि किसी शादी फंक्शन में जाने के प्लानिंग चल रही, कोई एंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टी, ऐसा कुछ हो सकता है। और जो कि शायद पहले आपने कोई शादी फंक्शन अटेंड किया था एक दूसरे के साथ, अपने किसी दोस्त की शादी, ऐसा कुछ, तो वो बातें इस वक्त आपके माइंड में चल रही हैं। द मास्टर का कार्ड है यहाँ पे। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो भी हुआ है, क्या इसमें आपकी गलती थी, क्या आप ही का बिहेवियर इसको जिम्मेदार था। अगर आप थोड़ा सा बिहेवियर कुछ अलग करते तो शायद ये जो भी सिचुएशन इस वक्त आपके रिश्ते में है शायद ऐसे नहीं होती। आप अपने आप में जैसे कि अपनी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको क्या करना चाहिए था उस टाइम पे और इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनके अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस करते हो, जो कि चाहते हो इनसे मूव ऑन करना। जैसे कि मैंने बोला, एक दिल करता है कि अभी के अभी चली जाओ, लेकिन जो कि दूसरे ही पल रुक जाते हो क्योंकि आप उनके अंदर अटक चुके हो, जैसे कि निकल ही नहीं पाते। निकलना भी है फिर भी, क्योंकि आते भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करते, और बात भी ऐसे करते कि आपको ऐसा फीलिंग आता है कि शायद आपसे प्यार ही नहीं करते। तो कम से कम मेरे दिल में जो प्यार है वो तो मिटा दो भगवान, मुझे तो इस एनर्जी से मतलब फ्री करा दो, मुक्त करा दो, मुझे किसी और से प्यार करने के लिए मुझे पहले ये पर्सन मेरे दिमाग से हटा दो, मेरे दिल दिमाग से इस पर्सन को निकालो। अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो कम से कम मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो भगवान। आप इस तरह से सोच रहे हो कि इस पर्सन को मेरे दिल दिमाग से निकाल दो ताकि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकूं। मुझसे नहीं हो पा रहा है कि मैं नहीं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हूं और जो कि इसके बिना रह भी नहीं पा रही, मैं क्या करूं। आप इस तरह से इस वक्त सोच रहे हो। यस, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको इनसे फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, और आपको ये अच्छे से पता है कि आपके क्रश जो है आपको अट्रैक्ट, आपके और अट्रैक्टेड भी है, आपको लाइक भी करते हैं, लेकिन दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और जिन रूल्स ने इन्हीं को तकलीफ दे के रखी है इनको अच्छे से पता है, जो कि आपको फील भी होता है। आप में जो भी डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंसेस, अमीरी गरीबी, कल्चर अलग, जो भी डिफरेंसेस है आपको पता, उन डिफरेंसेस की वजह से आपके क्रश आपको जैसे कि मतलब कि डिले कर रहे हैं, या तो इनके इनको आपके और आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको अच्छे से फील होता है। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी इस वक्त की। हम देखते हैं आपके एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इंटेंसिटी, आप स्टॉक करते हो इनको बहुत ज़्यादा, स्टॉकिंग एनर्जीज बंद कर दो। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज होती है, आप जितना स्टॉक करोगे उतना उनके बारे में ओवर थिंकिंग करोगे। अभी स्टॉक करना मतलब कि उनके पीछे पीछे जाना, भागना नहीं। आप जैसे कि इनकी फोटोज़ देखते रहते हो, वीडियोज़ देखते रहते हो, इनको सोशल मीडियाज पर स्टॉक करते रहते हो, अगर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक करके रखा है तो फेक आईडी से स्टॉक करते रहते हो, जो नहीं करना है आपको बंद कर दो ये सब कुछ। बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, अपने आप को अकेला कर दिया है, तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। इस नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे तो आप अपनी और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिव आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है। जिस बार जिस टाइम आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, यही नहीं कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आता है उनको दूसरे ही सेकंड उस थॉट को आपको पॉजिटिव कर देना है, जैसे कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा ऐसा लगता है, दूसरे ही पल आपको ऐसा माइंड में डालना है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुझसे बहुत प्यार करता है जो कि मेरे ही पास आएगा। आपको अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको करंट में पॉजिटिव क्विकली करना है, जैसे कि शायद मैं मेरी ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकती, दूसरे पल आपको ऐसा सोचना है कि नहीं मैं सक्सेसफुल बनूंगी, मुझे इस बात के ऊपर कंप्लीट भरोसा है। आपको ऐसे पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है माइंड में, और अगर गलती से आता है तो उसको क्विकली चेंज करो। ठीक है, अगर आप ऐसी आदत लगा देते हो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हो, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती ही है, एक के बाद एक सब कुछ अच्छा होने लगता है, इस बात के ऊपर भरोसा करो। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिया गया नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।